चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। नमस्कार माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन। दोस्तों देखिए, इस पूरे वीडियो में बात करने वाला हूँ राजस्थान फायरमैन भर्ती, जो कि एक जलेबी की तरह अटकती हुई चली जा रही है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपने एक दैनिक भास्कर के अंदर एक आर्टिकल पढ़ा था, उस आर्टिकल को भी हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले जो अभ्यर्थी 6000 जो अभ्यर्थी पास किए हैं उनमें से देखिए 600 अभ्यर्थी ही फायरमैन बनेंगे, ये एक अटल सत्य है। लेकिन प्रशासन को देखिए, इसमें 3 महीने से अधिक होने को जा रहे हैं और प्रशासन ने इसमें कोई त्वरित प्रभाव से कोई एक्शन नहीं लिया। अभी तक कोई ऐसी सूचना जारी नहीं की है कि ये भर्ती आगे बढ़ेगी या ये भर्ती में कुछ और उनके मन में जो चल रहा है। देखिए, चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं बाहर निकल कर आती हैं, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार फिजिकल प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग कर रहे हैं और देखिए उनकी ट्रेनिंग लगातार चल रही है और अब एक ऐसी स्टेज आ चुकी है कि जहां अभ्यर्थियों का मनोबल टूट रहा है। अभ्यर्थियों ने बड़ी लगन मेहनत से ये लिखित परीक्षा पास की थी, अब अभ्यर्थियों के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर ये भर्ती आगे बढ़ती है और देखिए 6000 में से 600 फायरमैन सेलेक्ट हो जाते हैं तो अभ्यर्थी अपनी आगे की जो करियर की उनकी योजना है उस पर काम करेंगे। आगे पढ़ना है या कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करनी है या किसी दूसरी नौकरी की तैयारी करनी है तो देखिए अभ्यर्थियों के लिए प्रशासन को यहां पर जो भर्ती एजेंसी है या जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो तुरंत प्रभाव से देखिए यहां पर नोटिस जारी करें कि भाई आपके मन में चल क्या रहा है। आप जलेबी की तरह इस भर्ती को ना घुमाएं, क्योंकि राजस्थान की जो फायरमैन भर्ती को जलेबी बनाने का मकसद या मतलब जिन लोगों का भी है, देखिए वो इन 6000 अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और देखिए, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए बड़ी मेहनत से अभ्यर्थी इस लेवल पर पहुंचे हैं। और देखिए, भास्कर का जो आर्टिकल है उसमें तो यह भी कहा गया, इस तरह की अफवाहें मार्केट में फैल रही हैं कि भर्ती निरस्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है। तो अभ्यर्थी इस चीज को पॉजिटिव ना लें, लेकिन मैं प्रशासन से एक बार फिर अनुरोध करूंगा, भर्ती एजेंसी से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि देखिए आप तुरंत प्रभाव से इस भर्ती के रिगार्डिंग नोटिस जारी करिए ताकि ये भर्ती की जो जलेबी की तरह अटकी हुई है वो सारी चीजें स्पष्ट हो सके। अभ्यर्थी अपना निर्णय लें कि हमें करना क्या है। देखिए, ये 600 फायरमैन पदों पर ही वो अटके रहेंगे, लगभग 1 साल होने को जा रही है जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हित में प्रशासन को यहां पर निर्णय लेना चाहिए, इस तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए कि अभ्यर्थियों का यहां पर नुकसान हो। तो देखिए, जो भी आपका निर्णय है वो स्पष्ट रूप से क्लियर करना चाहिए, भर्ती एजेंसी को क्लियर करना चाहिए कि आगे की क्या योजनाएं हैं और देखिए वो योजनाएं किस किस स्थिति में होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी, वो सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए। तो देखिए, ये आर्टिकल जो आपने पढ़ा होगा, भास्कर का आर्टिकल जो आप देख सकते हैं साइड में, उस आर्टिकल में देखिए यहां पर समय, तिथियां, कब एग्जाम हुआ, कितनी आपकी वैकेंसी आदि सारी चीजें यहां पर दी गई। लेकिन मैं एक ही चीज पर फोकस करूंगा कि भर्ती को जलेबी की तरह ना घुमाएं, भर्ती एजेंसियां तुरंत प्रभाव से इस भर्ती के रिगार्डिंग नोटिस जारी करें। सरकार अगर चाहे तो देखिए सब कुछ हो सकता है, सरकार चाहे तो तुरंत प्रभाव से ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकती है, लेकिन सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो 2 दिन के अंदर भी नौकरियां लगी हैं लोगों की। तो सोचिए, क्या फायरमैन के जो अभ्यर्थी हैं या उनके लिए, या और भी बहुत सारी अटकी पड़ी है, मैं उनकी भी बात कर लेता हूं, क्या उनके लिए सरकार की या भर्ती एजेंसियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और देखिए सच्चाई के साथ, समय के साथ करें। समय बहुत ही बलवान है, समय की बहुत वैल्यू है, क्योंकि इन अभ्यर्थियों के लिए देखिए समय बहुत महत्वपूर्ण है ताकि ये 600 सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद जो बचेंगे तो अपने करियर का अगला डिसीजन लेंगे, पढ़ाई करेंगे, जो भी करेंगे। तो लेकिन तुरंत प्रभाव से देखिए इसमें नोटिस जारी करना चाहिए और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि आप इसमें नोटिस जारी करें और इस चीज को क्लियर करें, जो जितने भी भ्रम हैं उन सारे भ्रमों को तोड़कर एक सच्चाई सामने आए कि साहब इस भर्ती के अंदर ये चीज आगे होने वाली है। दोस्तों, संदेश सभी साथियों तक शेयर करें, फिर आते हैं अपडेट के साथ, भर्ती विज्ञापन के साथ, भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन के साथ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।